2014 में रिलीज हुई लेटेस्ट प्रे मूवी को लाइक या डिसलाइक कर दे। मूवी की शुरुआत एक पुलिस कांस्टेबल को दिखाते होती है जिसका नाम होता है रिचल, जो अपनी यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो बीच रास्ते में खड़ा हुआ था। तभी एक लड़का पीछे से कार चला कर आता है और उस आदमी को टक्कर मार देता है। रिचल वहाँ चेक करने आती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता, पर वहाँ देखने पर कार पे किसी का खून लगा हुआ था। इसके बाद रिचल उस लड़के को, जिसका नाम सीजर था, उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। मैक रेडी, जो पुलिस ऑफिसर था, वो उसे पूछताछ करता है क्योंकि ये पहली बार नहीं था और भी केसेस के जुर्म में सीजर पहले भी जेल में आ चुका था, इसलिए वो उसे अच्छे से जानता था। वो रिचल से भी पूछता है कि विक्टिम कहाँ है, क्योंकि अगर विक्टिम नहीं होगा तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन रिचल कहते कि मैंने उसकी कार पे खून देखा था। लेकिन इसी बात का पता लगाने के लिए मैकरेडी अपने दो और ऑफिसर को विक्टिम को ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद रिचल उसे जेल में बंद कर देती है। वहाँ पर एक और कैदी था जो किसी के मर्डर के केस में वहाँ पर बंद था। रिचल और मैक बात कर ही रहे थे कि दूसरे ऑफिसर विक्टिम को लेकर आते हैं। उस आदमी को काफी सारी चोटें लगी हुई थी और फिर उससे पूछताछ करने के बाद भी वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। उसे चोट लगी हुई थी इसलिए वो लोग एक डॉक्टर को बुलाते हैं जिसका नाम था डॉग। उसकी बैंडेज करने के बाद भी उसे पूछते है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब भी वो कोई जवाब नहीं देता। उस आदमी के पास एक डायरी थी जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए थे लेकिन उसका नाम कहीं पे भी नहीं था। वहाँ खड़े सभी ऑफिसर उसे पागल समझ रहे थे लेकिन तभी वो आदमी कुछ बोलता है जिसे सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर डक को अपना पास दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और कहता है कि इसे सब पता है। तभी वो आदमी को मारने की कोशिश करता है लेकिन सब ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी जेल में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद मैक खुद उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी कुछ अजीब सी बातें करता है। वो कहता है कि कुछ चीजों का हिसाब खून से होता है और शायद आज की रात बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन उसकी बातें मैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। इसके बाद रिचल उसे भी जेल में बंद कर देती है। उसे बंद करने के दौरान रिचल को वहाँ पर एक साया दिखाई देता है और वो साया गायब हो जाता है। काफी पूछताछ करने के दौरान हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम सिक्स है। से जेनिफर उसे लॉक कर रही थी कि उसे भी छूने पर उसका पास दिखाई देता है जिसमें वो किसी आदमी को बड़ी बेरहमी से मार रही होती है और रिचल के पूछने पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मैक भी रिचल से सभी कैदियों पर जिम्मेदारी देकर वहाँ से चला जाता है और जेनिफर और उसका बीएफ भी डॉक्टर के घर निकल जाते हैं जांच करने। सिक्स बहुत ही अजीब आदमी था। अब जैसे ही अपने उंगली दीवार को दबाता है वैसे ही एक कैदी के मुंह से खून निकलने लगता है और उसका दांत निकल जाता है और सिक्स अपनी बातों बातों में उस आदमी को अपने वश में कर लेता है और फिर वो आदमी जोर जोर से अपने सर को सलाखों पर मारता है। ये देखकर सीजर बहुत ही डर जाता है और वो सिक्योरिटी अलार्म को दबा देता है जिसका शोर सुनकर रिचल नीचे आ जाती है। लेकिन वहाँ का व्यू देखने के बाद रिचल उसको बाहर निकालती है। उस आदमी को उसने डक को भी बाहर निकाल दिया था ताकि वो उसकी मदद कर सके लेकिन वो कैदी उन लोगों को कुछ बताए इससे पहले वो मर जाता है। दूसरी तरफ जेनिफर के बीएफ को देखते हैं जो कि डॉक्टर के घर में आ चुका था लेकिन अंदर जाने के बाद उसे किसी की लाश टंगी हुई दिखाई देती है। इसका मतलब उस डॉक्टर ने अपनी फैमिली को मार दिया था जिसका पता सिक्स को लग गया था इसीलिए वो उसे मारना चाहता था। दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो किसी की लाश के टुकड़े बटोर के प्लास्टिक के पोलोथीन में भर रहा था। इसका मतलब वो भी कोई आम इंसान नहीं था। उसने डक के लड़के को भी मारकर बाथरूम में फेंक दिया था। यहाँ रिचल को भी जेनिफर के बीएफ का कॉल आता है जो उसे कहता है कि डॉक्टर ने भी अपनी फैमिली को बड़े ब्रूटल तरीके से मार दिया है। ये सुनकर रिचल और डॉक्टर के बीच फाइट होने लगती है लेकिन रिचल उसे हरा कर फिर से जेल में डाल देती है। उसी वक्त सिक्स रिचल से कहता है कि आज की रात सबके लिए भारी होगी, जिन्होंने भी गलत काम किया है सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन रिचल उसका मुंह बंद करवा के वहाँ से आगे निकल जाती है। तभी सिक्स विसल बजाता है जिसे सुनकर रिचल को अपना पास्ट दिखाई देता है। हम देखते कि रिचल के डैड ने ही उसे बांध के रखा था और उसके साथ बड़ी बेरहमी से शोषण किया था उसके डैड ने। लेकिन रिचल ने अपने हाथ की रस्सी काट ली थी और वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब हो गई थी। यह जेनिफर रिचल पर बहुत गुस्सा करती है और वो कहती है कि तुमने डॉक्टर को क्यों बाहर निकाला था। लेकिन रिचल उसे कोई जवाब नहीं देती इसीलिए जेनिफर गुस्से में जाकर उस डॉक्टर को बाहर निकाल लेती है। जेनिफर उससे पूछती है कि तुमने अपनी फैमिली को क्यों मारा, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मुझे ऊपर वाले का आदेश मिला था, इसलिए डॉक्टर को लगता था कि अगर किसी इंसान की आत्मा उसे मिल जाती तो वो उसे संभाल कर रखता और सब कुछ सही हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
दूसरी तरफ जेनिफर का बीए फ्लैशबैक में दिखता है कि उन्होंने किसी को बड़ी बेरहमी से मारा था और उसे मार दिया था। ये सब सिक्स उन्हें अपने पावर से दिखा रहा था। इसके बाद जेनिफर का बीए बड़े गुस्से में जाता है और उस डॉक्टर को बहुत मारता है और बाजू में पड़ी टेबल में उस डॉक्टर का मुंह घुसा देता है, जिससे उसकी भी बड़ी ब्रूटल तरीके से मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद जेनिफर कहती है अब हमें एक कहानी बनानी होगी। उनके बुरे बर्ताव की वजह से वो भी उनका साथ देने के लिए एग्री हो जाती है। कुछ देर बाद सीजर रेचल से कहता है कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, मैंने एक लड़की को मारा है। तुमने मेरी कार पर जो खून देखा था वो उसी लड़की का था, लेकिन डर की वजह से मैंने उसकी मदद नहीं की। पर तभी सिक्स कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, वो लड़की मर चुकी है 2 मिनट पहले। हम पास्ट में देखते कि सिक्स पहले से ही रेचल को जानता था और वो हर वक्त उसी के पास था। वो रेचल को ये भी बताता है कि जेनिफर और उसका बीएफ मिलकर तुम्हें मारने का प्लान बना रहे है और यही होता है, वो दोनों मिलकर वहाँ पर मौजूद सबको मारने का प्लान बना रहे थे। तभी रेचल का फोन रिंग करता है और उन्हें पता चल जाता है, तभी उसके साथ फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन उसी दौरान मैक भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर सब लोग हैरान थे, उसने किसी शैतान की तरह अपना हुलिया बना लिया था और वो गोली चलाकर जेनिफर के बीएफ को मार देता है। तभी वो रेचल पर हमला करने वाला था, लेकिन वो कटर से उसके पैर को काट देती है और वो लोग वहाँ से एक रूम में भाग जाते हैं। जेनिफर और रेचल किसी तरह वहाँ से भागकर नीचे जेल में आ जाते हैं। उन दोनों को घबराते हुए देख सीजर भी बहुत डर गया था और वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। रेचल देखती है कि वो उनके आसपास पेट्रोल छिड़क रहा है और वो वहाँ पर आग लगा देता है। ये सब देखकर रेचल बाकी सब लोगों की मदद करना चाहती थी वहाँ से निकलने में, लेकिन सिक्स उसे कहता है कि उन्हें उनके पापों की सजा मिल रही है, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन रेचल ऐसा नहीं चाहती थी और वो उसे भी कहती है कि तुम भी हमारे साथ आओ, पर वो वहीं पर रुक जाता है और फिर बाकी सब अपने ऊपर कंबल लपट कर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। लेकिन मैक फिर से अंदर आ जाता है और उन लोगों पर गोली चलाता है। इसी दौरान जेनिफर विंडो से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और कांच घुसने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। मैक सीजर को भी पकड़ लेता है और उसे भी एक कटिंग मशीन में डालकर उसके पूरे सर को फाड़ देता है। अभी सिर्फ रेचल बची हुई थी जो कि बिल्कुल हार नहीं मानती और एक पेट्रोल से भरे हुए कैन को उसके पास फेंकती है, जिस पर वो गोली चलाता है, लेकिन उसके फटने की वजह से उसे आग लग जाती है और वो तड़पने लग जाता है। लेकिन मरते वक्त भी वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर रेचल आती है और एक लोहे के टूल की मदद से उसके पूरे चेहरे को बिगाड़ देती है, यानी कि मार देती है। मूवी की एंडिंग में सिर्फ रेचल और सिक्स ही जिंदा थे। सिक्स रेचल से कहता है कि अब सबको अपने पापों की सजा मिल चुकी है और जिसका अब खात्मा हो चुका है। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ वो सब सिक्स कर रहा था, लाइक वो कोई एंजल था जो सबको पापों की सजा दे रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।